नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भगवान श्री चित्रगुप्त जयंती पर अस्सी घाट पर विविध कार्यक्रमों संग बजड़े पर निकली भव्य शोभा यात्रा। भाई दूज पर्व पर बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ फूटा गोधन। दुर्गाकुंड स्थित आदिशक्ति माँ कुष्मांडा के दरबार में अन्नकूट महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। और अस्सी क्षेत्र की गली में एक जर्जर मकान गिरने से एक युवक हुआ घायल। और अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री चित्रगुप्त जयंती पर अस्सी घाट पर विविध कार्यक्रमों संग 51 बजड़ों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से अस्सी घाट पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक महेश चंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रमुख आकर्षण का केन्द्र भगवान श्री चित्रगुप्त जी की 21 फीट ऊंचा स्वरूप रहा। सर्वप्रथम समाज के समस्त सदस्यों ने विधिपूर्वक भगवान श्री चित्रगुप्त और कमल दवात का पूजन किया। इसके पश्चात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर बजड़े पर शोभा यात्रा निकाली गई। 51 बजड़े पर यह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें समाज के हजारों लोग शामिल रहे। इस शोभा यात्रा में भगवान श्री चित्रगुप्त से जुड़े विभिन्न प्रसंग और अन्य देवी देवताओं के स्वरूप में कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते चल रहे थे। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में हर वर्ष इस शोभा यात्रा को निकाला जाता था। जाम की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष इसमें बदलाव करते हुए मां गंगा के आंचल में इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। इस मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। संपूर्ण कार्यक्रम होने के पश्चात स्वच्छता अभियान के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। हम लोग आभार करेंगे कि वो हमारे बीच में सदैव सभी भक्तों पर महासभा के बैनर पर प्रत्येक वर्ष काशी में एक भव्य शोभा यात्रा निकलती थी और वो शोभा यात्रा माँ गंगा के आंचल में इस बार निकल रही है और 51 बजड़ों के भव्य शोभा यात्रा 51 बजड़ों पर निकलेगी। एक चित्रगुप्त भगवान जी का मंचन होगा, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, महाआरती होगी। चित्रगुप्त भगवान लेखनी के देवता हैं, लोगों के न्याय अन्याय को लिखते हैं, पूरे विश्व के लोगों का लिखते हैं। आज ये पूरे विश्व के लिए पूजनीय दिवस है। आज हम सब लोग मिलके भगवान चित्रगुप्त भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इस बार ये कार्यक्रम अस्सी घाट पे हो रहा है, जबकि हर बार शोभा यात्रा निकलती थी, लोगों के से गुजरती थी और चित्रगुप्त मंदिर जाते, क्या खास वो वजह ये थी कि जाम, शहर जाम होता था और यहाँ 10,000 की भीड़ सड़क पर होती थी, तो इस बार वो 10,000 के लोग घाटों पर रहेंगे, बजड़े में रहेंगे, तो शहर डिस्टर्ब नहीं है। और स्वच्छता अभियान का भी आया, हाँ लास्ट में हम लोग जाएंगे, आने के पहले स्वच्छता किया जाएंगे तो फिर स्वच्छता करके जाएंगे। आज चित्रगुप्त जयंती पे जो है अस्सी घाट पे 21 फीट की चित्रगुप्त की जो है प्रतिमा लगी है, उस पर भव्य गंगा आरती है। उसके बाद जो है नौका विहार से राजेंद्र प्रसाद घाट तक जो है शोभा यात्रा है। उसके पश्चात हमारा जो है मंच पे जो है मंच के माध्यम से चित्रगुप्त जी के कार्यों को और चित्र भगवान को दर्शाया जाएगा।
भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज उल्लास के साथ मना। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ गोधन कूटा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बुधवार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। पर्व पर बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए जगह जगह सामूहिक रूप से गोधन कूटने की रस्म निभाई। समूह में बैठकर रुई में बेसन लगाकर लंबी मालाएं बनाई। मान्यता यह है कि रुई और बेसन की माला जितनी लंबी होगी भाई की उम्र उतनी ही लंबी होगी। परम्परानुसार बहनों ने टोटका गुंगभटकैया के कांटे को भी अपनी जीभ पर स्पर्श किया और भाइयों को श्राप देकर उनके लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनों ने व्रत भी रखा। गौरतलब है कि वाराणसी में भाई दूज पर्व दो दिन मनाया गया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:36 से शुरू हुई और इसका समापन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 पर हुआ। उदयातिथि के चलते भाई दूज का पर्व ज्यादातर बहनों ने बुधवार को ही मनाया। हमारे क्या कर रही हो आज अपने लोग? आज हम लोग अंकुट की पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद घर जाके भाइयों को टीका लगाएंगे, फिर मिठाई खिलाएंगे, उनकी लंबी उम्र की कामना है। क्या कर रही हो तुम लोग? आज अंकुट का पूजा है। दिवाली पर्व के बाद हम लोग अंकुट का पूजा करते हैं, भाई की लंबी उम्र के लिए मीठा खिलाते हैं, उनके लिए उनको सराहते हैं। पूजा के पर्व पे उनकी लंबी आयु के लिए हम लोग कामना करते हैं। क्या क्या करती हैं आज आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं अंकुट के लिए, भाई की उम्र के लिए, उनको मीठा खिलाते हैं, टीका लगाते हैं। वगैरह कैसे क्या क्या चढ़ता है पूजा में? ये ये आई चढ़ता है, चावल चढ़ता है, फूल माला चढ़ता है, मीठा चढ़ता है, भड़ेर चढ़ता है। आज यहाँ पे अंकुट का पूजा है, जो दिवाली पे हम लोग घड़ेर भरते हैं उसका यहाँ पे आज पूजा होता है। पूजा करने के बाद हम लोग अपने भाइयों को लड्डू खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग उनके आयु का पूजा करते हैं, उनके लंबी उम्र के लिए अंकुट का पूजा होता है, जिसको हम लोग भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। इसी कड़ी में नासरपुर विवेक नगर में भी भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, इससे पहले अपने भाई को श्राप देती हैं और उसके बाद अपनी गलती के लिए अपनी जीभ पर कांटे चुभोती हैं और फिर अपनी गलती के लिए अन्य विधि विधान करती हैं। इसी कड़ी में लीलावती पांडे से बात करने पर उन्होंने बहुत ही उत्साह से इसकी विधि को बताया और कहा कि हम सभी भैया दूज की पूजा कर रहे हैं। वहीं शोभा सिन्हा ने बताया कि आज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने जाते हैं। वहीं पर यमुना जी नाना प्रकार के भोजन आदि अपने भाई को कराती हैं, जिससे प्रसन्न होकर यमराज अपनी बहन यमुना जी को उपहार देते हैं। भाई दूज पर भाई को तिलक करने के लिए भोजन कराया जाता है और इसकी धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन पूरी श्रद्धा और आदर के साथ तिलक और भोजन कराती है और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और यमराज का भय नहीं रहता है। भैया बहन भैया दूज का पूजा कर रहे हैं, भाई बहन का त्योहार। विधि यही है कि भाई बहन के तरह भैया बहन जो जमुना में जा करके भैया बहन एक साथ गांठ जोड़ के नहाते हैं और नहाने के बाद में वही उनका दर्शन करके जम रहते हैं, तो जम को पीछे मुड़ के नहीं, एक जाते हैं तो जम को पीछे मुड़ के नहीं लोग ताकते हैं।
पिछड़ा तो वहाँ जाते हैं भगवान का दर्शन करके, वही दिया जलाने के बाद दोबारा नहीं घर में नहीं दिया, मन हो तो जला सकते हैं जम का दिया, और न मन हो तो न जला। यही भैया बहन को लोग बहन श्राप देती हैं, वहाँ से आने के बाद मथुरा वृंदावन से आने के बाद में बहन भाई दोनों प्रेम से दक्षिणा के रूप में बहन भी अपने भाई को वस्त्र देती है, भाई भी लोग देते हैं, भाई भी देते हैं। आ इज्जत के साथ में भैया बहन दोनों इसका सकुशल जिंदगी बीते, भगवान बिताए दोनों को जिंदगी सकुशल, आ यही त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह का पूजा आप लोग कहाँ पे करते हैं? हम लोग चित्रकूट भगवान का पूजा हम लोग घर में करते हैं। आज ये किस तरह का ये तो मतलब जब महाराज अपनी बहन के यहाँ जमुना के यहाँ जाते हैं और वहीं बहन जमदुतिया कूटती है और अपने भाई को खिलाती हैं, भाई खाते हैं और बहन जितना प्रकार का मन हो उतना प्रकार का बना के बहन खिलाती है, भाई उसको अपना गिफ्ट देते हैं, ये मतलब ये मेरा आशीर्वाद ही है। और किसी को कुछ लोग इसलिए कूटते हैं अपने भाई के रक्षा के लिए कि आज अपने बहन के यहाँ जब महाराज पहुँचे रहते हैं तो वो आज थोड़ा नर्म रोते हैं, बहन खिलाई पिलाई रहती है तो उसका अगर ज़्यादा भी पाप या हर कोई चीज़ तो थोड़ा उसको कम करते हैं, कम करते हैं, खाना भी खिलाया जाता है। हाँ तो इसीलिए कम करते हैं, इसलिए कि जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाके भोजन करे या बहन अपने भाई को भोजन कराते हैं वो भाई को दरिद्रता कभी नहीं पड़ती इसी के लिए। दुर्गा कुंड स्थित आदिशक्ति माँ कुष्मांडा के दरबार में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दुर्गा कुंड स्थित आदिशक्ति माता कुष्मांडा के दरबार में दुर्गा मैया का अन्नकूट के पावन अवसर पर 56 प्रकार के मिष्ठानों से अन्नकूट श्रृंगार सजाया गया। मंदिर के महंत आनंद गोपाल द्विवेदी ने पंचामृत स्नान कराकर के नूतन वस्त्र आभूषण से माता को सुसज्जित कर उनकी आरती की और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों पकवानों का भोग लगाते हुए अन्नकूट श्रृंगार किया। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर भजन संध्या का भी आयोजन हुआ जिसमें अमलेश शुक्ला, बाल कलाकार यथार्थ दुबे, सरस्वती कृष्णमूर्ति, राकेश तिवारी सहित अन्य कलाकारों ने सुमधुर देवी गीत प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू, दि बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप राय, दंत चिकित्सक डॉ अमर अनुपम, पंडित अनुपम शुक्ला, अरविंद मिश्रा आदि कई विशिष्ट जनों ने पहुंचकर माता के दरबार में हाजिरी लगाई, जिनका स्वागत महंत पंडित कौशलपति द्विवेदी, पंडित आयुषी द्विवेदी ने चुनरी प्रसाद माल्यार्पण कर किया। अस्सी क्षेत्र की गली में एक जर्जर मकान का छज्जा गिरने से एक युवक घायल हो गया। माता आनंदमयी अस्पताल के ठीक सामने वाली गली जो रविन्द्रपुरी कॉलोनी को जोड़ती है उसमें एक जर्जर मकान का छज्जा टूट गया और राजेश साहनी नामक 30 वर्षीय युवक पर गिर पड़ा जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही स्थानीय लोगों की सहायता से पास के अस्पताल में ले जाया गया। छज्जा गिरने से एक मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम को इसकी सूचना कई बार दी गई परन्तु नगर निगम का कोई अधिकारी या कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इससे आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आज यहाँ लगभग 12:15 बजे ये बरामदा गिरा और एक लड़का इसी मोहल्ले का राजेश साहनी नामक मोटरसाइकिल से जा रहा था। शिवाला मोहल्ला है, माता आनंदमयी के ठीक सामने ये गली लेन नंबर 10 रविन्द्रपुरी को जोड़ने वाली ये गली है और ये गिरने के साथ वो लड़का घायल हो गया, वो मोटरसाइकिल उसकी पूरी डैमेज हो गई पूरी बुरी तरह से। और हम लोग ये चाहते हैं नगर निगम के नगर आयुक्त से ये मांग करते हैं कि ये जिस तरह के जर्जर यहाँ पे दोनों तरफ है
और बड़ी दुर्घटना भी घटेगी, यह निश्चित आज ये संकेत मिल गया। एक लड़का घायल हो गया, आने वाले दिन में बड़ी घटनाएं भी होंगी। इससे पहले इनको ये जितने भी जर्जर हैं इसको गिराने का काम नगर निगम को कर देना चाहिए। जो लड़का घायल हुआ कहाँ? ये लड़का यहीं शिवालय का ही है, भदनी का, राजेश साहनी नाम उस लड़के का, 30 साल उसकी उम्र है। उसी के ऊपर ये गिर गया, ये तो भतीजा है, हाँ ये उसके चाचा हैं लड़के के, ये उस लड़के के चाचा हैं। और अभी मकान मालिक अभी आए हैं थोड़ा देर पहले, आया लड़का ले गए हैं वहाँ आगे, बड़ा सिंह हॉस्पिटल ले गए, पीएम हॉस्पिटल गया है। ये मेरे पर नाना का है। अच्छा, क्या विवाद है, क्यों उसको जर्जर हो गया स्थिति में? इसमें किराएदार हैं बहुत पुराने हैं, जिनको खाली करने के लिए बोला जा रहा है लेकिन मान नहीं रहे। इस जमीन का मुकदमा भी न्यायालय में दायर है। किसके द्वारा दायर है, किसके किसके बीच चल रहा है ये मुकदमा? हसीना बीवी बनाम नाम को पूरा याद नहीं है, किराएदार बनाम किराएदार, किराएदार और मकान मालिक का, एक हमीदा बीवी बनाम किराएदार। आज क्या हुआ है घटना? आज तो हम यहाँ पे थे नहीं, तो मोहल्ले वाले ने हमको बताया कि आपका मकान गिर गया है, तो मौके वारदात पर हम, एक आदमी घायल भी हो गया, मौके वारदात पर आए, थोड़ा लेट आए, लेकिन हमने यहाँ आके अब इसको गिरवाया जाएगा, आगे का पोर्शन जो है फिर उसके बाद मोहल्ले वाले का सहयोग रहेगा तो नगर निगम में इसकी वो दरखास्त देकर इसको गिराया जाएगा। क्या इससे पहले आप लोगों ने नगर निगम में आपने नहीं दिया कि जर्जर हो चुका है? हमारी दरखास्त बनी रखी हुई है, थोड़ा ब्याह शादी का मैटर घर में था इसलिए वो हो नहीं पाया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, एक महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था, फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में प्रभु गणेश की अन्नकूट श्रृंगार की झांकी सजाई गई। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में गणेश जी का भव्य वार्षिक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेकों फूल पत्तियों व विद्युत झालरों से बाबा के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाकर अनेकों प्रकार के मिष्ठान सहित विभिन्न प्रकार के भोग लगाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर मत्था टेका व सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ जिसे सुन भक्त झूमते रहे। देर रात तक भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के सेवक डॉक्टर हरिशंकर तिवारी ने बताया कि बाबा के दर्शन पूजन से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, शिक्षा का विकास होता है, परिवार में शांति बनी रहती है। ये हमारा वार्षिक उत्सव अन्नकूट उत्सव है और ये अन्नकूट उत्सव बहुत प्राचीन काल से, और इतना प्राचीन काल है ये हमारा ये देन जो है द्वापर में कृष्ण भगवान के समय ने दिया था अन्नकूट उत्सव, उस समय से चला आ रहा है और वही परंपरा आज हम निभा रहे हैं। क्या संदेश देते हैं गुरुजी इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देते हैं कि अधिक से अधिक अन्न उपजाओ,
और उस अन्न से शाकाहारी व्यंजन बनाओ, शाकाहारी व्यंजन बनाओ। आज के दर्शन पूजन से गुरु जी किस तरह के फल की प्राप्ति होती है भक्तों को? शिक्षा जो मिलती है यदि भक्त उसका पालन करेंगे तो उनको मिलेगी, और यदि नहीं शिक्षा का पालन करेंगे, शिक्षा यही है कि अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करें, अन्न का भंडार बनाए, यही इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा हुआ है। 56 प्रकार के कम से कम व्यंजन बने हुए हैं। संगीत का भी प्रोग्राम चल रहा है, संगीत का प्रोग्राम इसीलिए चल रहा है, भक्त आनंद ले रहे हैं और रात 12 बजे तक चलेगा। युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा लोक कल्याण की कामना के साथ मां महालक्ष्मी पूजनोत्सव का आयोजन हुआ। युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल के प्रांगण में चल रहे 5 दिवसीय महालक्ष्मी पूजनोत्सव में सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति ने सर्वप्रथम पंच प्रतिमाओं, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, सरस्वती जी, महालक्ष्मी जी, माता काली एवं महाबली हनुमान को पुष्प अर्पित कर समाज के सुख समृद्धि एवं लोक कल्याण के लिए पूजन किया। सुंदरकांड का पाठ एवं भजन श्रीमानस मंडल चौखंबा के भक्तजनों ने संयुक्त रूप से किया। ढोलक पर दुर्गा प्रसाद शशि, हारमोनियम पर सौरभ उपाध्याय सहित अजय अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल ने पाठ एवं भजन किया। वहीं 21 जोड़ों ने परिवार एवं समाज की सुख समृद्धि के लिए महालक्ष्मी श्री यंत्र का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। विकास महाराज ने वैदिक एवं शास्त्र सम्मत तरीके से अरणि मंथन कर अग्नि प्रज्वलित कर श्री महालक्ष्मी महायज्ञ प्रारंभ कराया। वहां उपस्थित सभी भक्तजनों को प्रसाद का वितरण हुआ। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष अजय कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को श्री महालक्ष्मी पुष्प श्रृंगार एवं अन्नकूट पूजा के पश्चात कलश विसर्जन किया जाएगा। संचालन सलील अग्रवाल एवं संयोजन दिव्य विभव बंसल, आमोद अग्रवाल, विनय अग्रवाल और अमिता अग्रवाल ने किया। युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा विगत 38 वर्षों से दीपावली के पावन पर्व पर महालक्ष्मी जी का पूजनोत्सव समारोह मनाया जाता है और ये साल 38वां साल है और हम लोग बचपन से ही लगे हैं और इसीलिए इसका नाम युवा अग्रवाल सम्मेलन है। अब नए नए युवक भी आ रहे हैं, उसमें लग रहे हैं, उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि ये निरंतर चलता रहे और ये पूजन सर्व समाज के कल्याण के लिए होता है। यहाँ आज जो है महालक्ष्मी जी के 1000 माने उनकी आहुति दी गई है यज्ञ कुंड में और हम लोगों का वैदिक ये सिद्धांत रहा है कि यज्ञ कुंड में जो आहुति होती है उससे एक बड़ी भारी मात्रा में जीवन की ऑक्सीजन पैदा होती है और अभी भी हम लोग कर रहे थे जो धुआं उठ रहा था लेकिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सर्व समाज के कल्याण के लिए ये 5 दिवसीय सम्मेलन होता है। यहाँ पे कल सुंदरकांड का पाठ था, आज महालक्ष्मी जी का महायज्ञ है, संग में श्री यंत्र पूजन है, हम लोग जोड़े से बैठ के पूजन करते हैं और कल जो है विसर्जन पूजा और अन्नकूट का प्रसाद है। काशी में भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के पूर्व मां गंगा की आरती कर भारत की जीत की कामना हुई। गंगा निर्मलता के लिए नित्य प्रति प्रेरित करती नमामि गंगे टीम ने विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड टीम पर भारतीय टीम की जीत के लिए अहिल्याबाई घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर भारतीय टीम का हौसला बुलंद किया। भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर, क्रिकेट बैट इत्यादि लेकर राष्ट्रध्वज के साथ नमामि गंगे ने आमजन के साथ सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत के अजेय रथ का शंखनाद किया। भारत की जय के गगनभेदी उद्घोष से अहिल्याबाई घाट का परिसर गूंज उठा। राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय टीम विश्व कप में अब तक अजेय है और उसने अपने सभी लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। क्रिकेट भारतीयों का प्रिय खेल है, भारतीयों की आशा और निगाहें भारतीय क्रिकेट टीम पर है। भारतीय क्रिकेट टीम विजेता हो देवाधिदेव महादेव और मां गंगा से आशीर्वाद की कामना है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, रजनीश द्विवेदी इत्यादि काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप क्रिकेट में न्यूजीलैंड के साथ भारत का सेमीफाइनल मैच है और हमने काशी के इस पौराणिक स्थल से जहां माता शीतला का धाम है, मां गंगा का आंचल है,
ऐसे स्थल से न्यूजीलैंड को हराने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला बुलंद किया है। हमने माँ गंगा की, भगवान भास्कर की आरती उतारी है, बाबा विश्वनाथ से यह आशीर्वाद मांगा है कि हे बाबा भोले, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में परास्त करके फाइनल भी जीते। यह काशी वासियों के साथ हमने नागरिकों आमजनों के साथ मिलकर राष्ट्रध्वज के साथ और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के चित्र के साथ आज माँ गंगा की आरती उतारकर यह संयोजन करके भारतीय, क्योंकि क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है और हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़े और निरंतर प्रत्येक खेल में, क्रिकेट के साथ ही प्रत्येक खेल में भारतीय परचम लहराए, राष्ट्रध्वज का शिरमौर हो। आज काशी के इस पौराणिक अहिल्याबाई घाट, दशाश्वमेध घाट पर हमने यह माँ गंगा की आरती करके भारतीय टीम के हौसले को बुलंद करने हेतु माँ गंगा की आरती उतारी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भगवान श्री चित्रगुप्त जयंती पर अस्सी घाट पर विविध कार्यक्रमों संग बजड़े पर निकली भव्य शोभा यात्रा। भाई दूज पर्व पर बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ फूटा गोधन। दुर्गाकुंड स्थित आदिशक्ति माँ कुष्मांडा के दरबार में अन्नकूट महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। और अस्सी क्षेत्र की गली में एक जर्जर मकान गिरने से एक युवक हुआ घायल। तो इतने आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।